हेलो स्टूडेंट्स, वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की एक ऐसी ट्रिक या आप बोलोगे ऐसा कंसेप्ट जो आपके बहुत ही मैथमेटिकल की इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो आज तक आप फेस करते हैं। तो टॉपिक क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉन परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब अपूर्ण वर्गमूल है। अपूर्ण वर्गमूल से आप क्या समझते हैं? देखो, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे। अगर आप देखोगे 16, तो ये किसका स्क्वायर होता है भाई? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4, तो ये कंप्लीट है। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा रूट में 15, तो 15 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो अब ये स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा? अब ये आएगा, आपको एक चीज पता है, ये 3 point something आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से तो कम है। लेकिन कितना? अब ये आप कैसे निकालोगे? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ये सिर्फ 5 second में सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। अगर मैंने यहां पर कोई वैल्यू ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 68, 68 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो मैंने रूट के अंदर ले लिया यहां पर। अब मुझे ये देखना है 68 से कम परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है, और 68 से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू। तो अगर आप यहां पर देखो, तो 68 से परफेक्ट स्क्वायर कम किसका होता? 64। ये होता किसका है? 8 का। जबकि 68 से ज्यादा मैं देखूं तो यहां पर क्या आएगा आपका, आप सभी को पता है, 81, जो कि होता है 9 का। तो देखो, 8 और 9 के बीच में अगर इसका आंसर आ रहा है तो ये तो क्लियर हो गया, इसका आंसर होगा 8 point something something। बट 8 point what? 8 point क्या? तो कुछ नहीं करना है। अब जो स्टेप है पॉइंट वाले जो पोर्शन को सॉल्व करने की, वो देखेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। अगर आप यहां पर देखोगे 64 और 68, इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 4 का। और जबकि अगर मैं यहां पर देखूं 64 और 81 के बीच में डिफरेंस कितना है? 17 का। तो यहां पर देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 64 और 68 आपको दिख रहा है, उसके बाद 17। कुछ नहीं करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर से इसके आगे वाले परफेक्ट स्क्वायर तक जाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए थे? 17 संख्या चाहिए थी, जो कि ऐड करके 81 बनाती, लेकिन हमारे पास कितना था? 4। तो अब ये जो 4 है, ये 17 के हिसाब से कितना है? पॉइंट मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो आप इसे डायरेक्ट क्या ले लोगे? 4 के आगे 0, पॉइंट लग चुका है 40/17। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 2 आया, फिर कितना बचा? 6, 0 लगा दो, फिर से 3। तो जो आपका आंसर आया है वो आया है 8.23। अगर आप चाहो तो आगे तक भी निकाल सकते थे, जब 60 हमने करा यहां पर, तो फिर करोगे तो 3 टाइम्स फिर 9 बचता, 0 लगा देते 5, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया आपका, 8.235 परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा किसका? 68 का। तो आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अगला नंबर लिया है वो थोड़ा बड़ा ले लिया है, जिससे आपको ये आसानी हो कि सर छोटे छोटे नंबर नहीं, हमें तो बड़ी डिजिट देखनी है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 40 तक के तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए। देखिए, मैंने रूट के अंदर लिया 925। क्या 925 किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है? नहीं। तो 925 से नीचे किसका स्क्वायर आता है? 900 परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि होता किसका है? 30 का। वही 925 से अगर ऊपर देखूं मैं, तो वो होता है 961। ये किसका होता है? 31 का। तो अब करना वही है, 900 और 925 में कितने का डिफरेंस है यार? 25 का। वही 900 और 961, इनमें कितने का डिफरेंस है? 61 का। तो पहले ही हमको ये तो पता चल चुका था, हमारा जो आंसर आएगा 30 और 31 के बीच में, मतलब कितना आएगा? 30 point something। तो देखो, ये पॉइंट वाला जो मैंने आपको पिछले में भी बताया था, 4 था, मैंने 0 बढ़ा दिया था डायरेक्ट, क्योंकि मैं पॉइंट ऑलरेडी लगा चुका था। लेकिन अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट मैंने हटा दिया मान के चलो। अब 30 के बाद आएगा, तो अब कैसे? 61 है, डिफरेंस कितना था इस स्क्वायर से, इस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू से अगली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू तक जाने के लिए डिफरेंस कितना चाहिए था? 61 चाहिए था, जिससे आप पहुंचते 31 तक। लेकिन आपके पास कितना था? 25। तो आप कुछ मत करो, 25/61। अब यहां से आप कर दो इसका क्या डिवाइड, तो कितना आएगा? तो पॉइंट लगा देता हूं मैं, जैसे कि पॉइंट मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर एक जीरो बढ़ गया, 61 4 जा
244 तो यहां पर आ गया 4, फिर एक जीरो, आपका डिफरेंस कितना बचा 6, अब एक जीरो और बढ़ाया, 61 का 60 में जाएगा नहीं, अगर मैं एक जीरो और बढ़ाता हूं तो एक जीरो मुझे यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पर 30.409। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटी सी ट्रिक थी, जो मेथड थी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की, वो समझ में आई होगी, और कहीं भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।